नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट कल फ्राइडे को किस तरीके की रह सकती है टेक्निकल पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और साथ में डाटा पॉइंट्स भी हम चेक करेंगे। दोस्तों, हमारी कल बात हुई थी, हमारी जो हमने आपको वीडियो पोस्ट किया था कल, उस वीडियो के अंदर हमारी साफ साफ बात हुई थी कि यहाँ पर लॉन्ग साइड की पोजिशन जो है पहले से पहले ही बड़े प्लेयर्स ने अपनी क्लोज करनी शुरू कर दी थी फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, और वहां पर हमको उसका बेनिफिट ये मिला कि हमको पहले से ही प्रिपेयर थे हम, जो आज डाउनफॉल आया उस डाउनफॉल के हम पहले से ही प्रिपेयर थे कि वो डाउनफॉल आएगा, और इसकी चर्चा हमने अपने कल वाले वीडियो में भी की थी। तो यही फायदा होता है दोस्तों, अगर हम अपने डाटा पॉइंट्स को सही तरीके से रीड आउट करते हैं और सही तरीके से अगर हम अपने डाटा पॉइंट्स को रीड करना सीख जाएं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर हम अपने मेंबर्स के लिए वीक में कम से कम दो वीडियो पोस्ट करेंगे, और वो वीडियो वेडनेसडे को और संडे को हुआ करेगी। तो वो किनको मिले करेगी वो वीडियो और उसके अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, वो वीडियो हमारे जो टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप के अंदर जो ऐड हैं लोग, उनको मिला करेगी। दूसरी चीज, जो हमारे ऑप्शन सेलिंग ग्रुप के अंदर जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको मिला करेगी। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर होगा कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर ये होगा कि मेरे खुद के प्लान्स क्या हैं, मेरे खुद के ट्रेड्स क्या होंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर, और मैं क्या मार्केट के अंदर क्या क्या मेरे डाटा पॉइंट्स क्या बताते हैं, मेरे मतलब खुद के क्या स्टॉक्स मेरी नज़र में हैं, मतलब उनको पहले से एडवांस में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो कल की जो हमने मेंबर्स ओनली वीडियो थी, वो यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दी है, आप जाके इसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि कल रात को जो हमने मेंबर्स वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने साफ साफ टारगेट दिया था कि 15,700 के पास मार्केट एक बार जरूर आना चाहिए, वो भी फ्राइडे तक। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आज फ्राइडे से पहले ही वो हमारा मार्केट वहाँ तक आ गया है। तो जैसा हमने मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर चर्चा किया था वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ भी, और आपको भी यहाँ पर बताया था, सभी जो जर्नल वीडियो बनाई थी उसमें भी सबको साफ साफ बताया था कि लॉन्ग प्लेयर्स मतलब बड़े प्लेयर्स ने लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है वो क्लोज कर दी हैं, यहाँ पर बुलिश होना ठीक नहीं है और मार्केट के अंदर गिरावट भी हुआ। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी आज की एनालिसिस के अंदर। आज की एनालिसिस करने के लिए हमको अपना चार्ट ओपन करना होगा, तो हम अपना चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर हम मेंबर्स ओनली वीडियो को एक्सेस कैसे पाएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका एक लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग, किसी का भी लिंक के थ्रू आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा। आप हमारे सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप के अंदर आपको टाइमली डायरेक्शन मिल जाती है मार्केट की क्या डायरेक्शन है, मार्केट की क्या कंडीशन है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और आपको एडवांस इंडिकेशंस मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, ऑप्शन सेलिंग ग्रुप के अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका 3000 फीस है, और ऑप्शन सेलिंग के हमारे जो खुद के ट्रेड्स रहते हैं वो ट्रेड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आप मेंबर्स ओनली वीडियो मेरे खुद के जो प्लान्स हैं वो सब आप पहले से पहले वहाँ पे मैं डिस्क्लोज करूँगा। स्टॉक्स की चर्चा भी हम करेंगे पहले से पहले अपने मेंबर्स के लिए। तो ये सारा इनिशिएटिव हमने आपको बता दिया कि जो मैंने यहाँ पे ले लिया है। दोस्तों, यहाँ पर अब चार्ट खुल चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का। यहाँ पे पहले निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, वनडे का टाइम फ्रेम है, मैं आपको यहाँ पे बहुत दिन से ये चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने आपको एक रेंज ड्रॉ करके दिया हुआ है, ये रेंज आपको पता ही है, ये 15,850 से लेके 15,900 की रेंज है, और दोस्तों ये रेंज जो है एक रेसिस्टेंस रेंज है, और ये रेंज यहाँ पे ड्रॉ भी हो रखी है। तो समझ के चलिएगा, मैं क्या आपको समझाऊंगा, ये पूरी की पूरी रेंज जो है 15,850 से लेके 15,900 की जो रेंज है दोस्तों, ये रेसिस्टेंस रेंज है, जो कि ये वाली ड्रॉ भी हो रखी है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। अब जो ये सपोर्ट रेंज है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर सपोर्ट जो है बार बार मार्केट ने लिया है, मार्केट ने अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जो कि इस सपोर्ट के नीचे एक भी क्लोजिंग मार्केट ने लिया हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या सिंपल बात है,
मार्केट का जो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है वो फिलहाल 15,600 से लेके 15,650 की रेंज का है, जो कि अच्छा सपोर्ट है और जो कि अच्छा आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है हर बार। तो यहाँ पे सपोर्ट आपको पता लग गया, रेसिस्टेंस आपको पता लग चुका है। दोस्तों अब बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मार्केट अभी जो है एक ओवरसोल्ड कंडीशन में है, ओवरसोल्ड कंडीशन में है अभी मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट एक दिन में काफी गिरावट दिखा भी चुका है। तो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी किया था कि मैं यहाँ पर पर्सनली 15,700 के आसपास कोई भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस नहीं बना रहा हूँ। और हाँ, कल जब मार्केट में सब लोग बुलिश थे तब हम यहाँ पे शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना के गए थे। सारी की सारी शॉर्ट साइड की पोजीशंस हमने 15,700 के आसपास जो है पोजीशंस क्लोज भी कर ली है। आज के आज ही उनका सबका प्रॉफिट बुकिंग भी हमने कर लिया है। वो पोजीशंस हमने डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर बनाया था। अभी अभी का डाटा पॉइंट ये बोल रहा है कि डाटा पॉइंट क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। मार्केट के अंदर सपोर्ट रेंज आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 15,720 के आसपास हुई है। तो यानी कि अगर कल मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट वाली कैंडल ने क्रिएट किया है, कि अगर किसी भी तरीके से या किसी भी मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट 1 घंटे के अंदर, फर्स्ट हाफ हाफ एन आवर या फिर फर्स्ट आवर के अंदर आपको ये जो सेलिंग प्रेशर है अगर ये कंटिन्यू रहता है तो दोस्तों ये सपोर्ट बड़ा अच्छे से काम करेगा मार्केट के अंदर। 15,600 से लेकर 650 का सपोर्ट है, ये अच्छे से काम करेगा। और जैसे ही मार्केट 720 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो वहां पर मार्केट के अंदर एक अपसाइड रैली की मुझे पर्सनल उम्मीद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर कभी भी हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट के आसपास हम लोग बाय करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कंडीशन समझ में आ गई होगी। 650 के आसपास मार्केट आपको मिले तो आप बाय ऑन डिप कीजिएगा। 720 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाए तो डेफिनेटली हमारे जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो यही रहेंगे रेजिस्टेंस के आसपास के, मंडे या ट्यूसडे तक के लिए 15,850 का और 900 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा प्लान जो है निफ्टी का, मेरा क्या प्लान है अब आगे का और क्या सपोर्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों फटाफट से हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे ओपन करके चेक कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कल साफ साफ बताया था कि सपोर्ट बैंक निफ्टी जो है वो आपका 35,100 के आसपास लेगा। और दोस्तों आज बड़ा अच्छा हुआ भी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ मार्केट के अंदर वो आप समझ लीजिएगा, जब हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, बैंक निफ्टी का चार्ट भी ओपन हो रहा है। ओके दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमने आपको कल सपोर्ट बताया था कि मार्केट वहां तक एक बार आ सकती है, तो आप जाके खुद चेक कीजिएगा कि आज का जो सपोर्ट यहाँ पे मार्केट के अंदर बना है वो तकरीबन तकरीबन वही बना है जो यहाँ पर हमने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था। आप जाके चेक कर सकते हो 35,000 क्या क्या बना है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 35,134 का बना है और यही हमने आपको कल सपोर्ट रेंज बताई थी। तो अब यहाँ पर सपोर्ट रेंज जो रहेगी वो रहेगी 35,000 से लेके 35,100 की। दोस्तों ये कल के लिए सपोर्ट रेंज रहेगी। इस सपोर्ट रेंज के आसपास आप मार्केट अगर आए मॉर्निंग में तो प्लीज शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है एक ही दिन के अंदर। और मार्केट इस सपोर्ट के आसपास हम डेफिनेटली जब भी हमको सिग्नल मिलेगा डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर उसकी अपडेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पे ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों वहां पर कोई टिप्स या कोई एडवाइस नहीं दी जाती, वहां पर आपको केवल मार्केट की डायरेक्शन बताई जाती है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको दिखे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर
डाटा पॉइंट्स के हिसाब से बायो डिप करना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट में शॉर्ट साइड की पोजीशन नहीं ली जाती। दोस्तों अगर यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मार्केट मिले तो बाय करेंगे, तो यहाँ पे टारगेट जो रहेगा दोस्तों वो 35,400 का पहला टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट हमारा 35,550 का रहेगा। दोस्तों ये दो टारगेट हमारे रहेंगे मंडे तक के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कल के दिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। और निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी यहाँ पर फेवरेबल नहीं हैं अब मार्केट के अंदर के हम लोग शॉर्ट करें मार्केट को, और जितना शॉर्ट करना था वो हमको कल करना था और आज उसका रिजल्ट मिल भी चुका है। दोस्तों अभी हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं, फटाफट से ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन यहाँ पर क्या बता रही है और ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन चेन भी यहाँ पे कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो है आज तो माफ कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट इज मैनेजेबल कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें आगे अगर हमको वीडियो के अंदर कुछ भी लर्निंग चाहिए तो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन चेन मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। अभी 15th का ओपन करना होगा तो चेक कर लेते हैं। 8th ऑफ जुलाई का भी ओपन है तो यहाँ पे 15th ऑफ जुलाई का ओपन करना होगा, तो एक मिनट रुकिएगा, 15th ऑफ जुलाई का भी यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर व्यू नजर आएगा ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। दोस्तों मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 727 के आसपास, यानी कि 700 जो है अभी मार्केट के अंदर एट द मनी का काम करेगा। दोस्तों ये ऑप्शन चेन जो है हमारी 15th ऑफ जुलाई की है, तो 700 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है आज के दिन और यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है। लेकिन अगर आप टोटल क्या कहते हैं ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपका 18,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 22,000 है, तो यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट काम कर सकता है। कल के दिन 700 का सपोर्ट काम कर सकता है, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है। अगर यहाँ पर ये डेफिनेटली अगर टूट भी जाता है अगर एक बार को, तो यहाँ पर 650 जो है नेक्स्ट सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और यहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्कुल ही लिमिटेशन है। आप जाके चेक कर सकते हो अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर, 700 के नीचे जो है कॉल साइड में कोई भी ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बने हुए हैं और मार्केट अभी ओवरसोल्ड भी है, तो यानी कि सिंपल बात है, समझने वाली बात है कि 650 से लेके और 700 की जो रेंज रहेगी ये मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगी ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर। दूसरी चीज यहाँ पर सुबह सुबह एक थोड़ा पैनिक क्रिएट करता हुआ दिखेगा मार्केट आपको, क्योंकि वहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने काफ़ी ज़्यादा बुलिश पोजीशंस ली हुई हैं, उनको लॉस पहुँचाना है, तो यहाँ पर 650 तक मार्केट अगर आ भी जाए तो घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ पर हमको शॉर्ट नहीं करना है। जो रिटेल ट्रेडर्स आज बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं उनका लॉस करवाना है, उनको उनको बियरिश साइड में बिठाना है, तो मार्केट सुबह एक घंटे के अंदर थोड़ा बहुत ड्रामा कर सकता है, इसकी चर्चा हम पहले ही आपको करके बता देते हैं। अब यहाँ पे आपको बाय शोल्ड नहीं करना है, बाय करना है, और यहाँ पर आपको अगर बाय करेंगे डेफिनेटली आपको जो टारगेट कम से कम मिलेगा वो 800 तक के आसपास मिल जाएगा बहुत इजीली। तो यानी कि यहाँ पर हमको 15,800 का टारगेट रखना है अभी कम से कम मंडे तक के लिए, डेफिनेटली हमारा ये टारगेट अचीव होना चाहिए। 650 के आसपास मार्केट मिले तो हमें सोल्ड नहीं करना है, सेल नहीं करना है। इसी लर्निंग के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जो कुछ भी बताया गया होगा आपको यहाँ पर समझ में भी आया होगा। एनालिसिस कैसी लगी उसकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एनालिसिस और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेंबर्स ओनली वीडियो के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एंजल और अपस्टॉक के लिंक मिल जाएंगे, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस पा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल अपने लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर।